15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने क्या विजन दिखाया? उन्हीं की पार्टी के लोग बिकते या टूटते क्यों हैं? ये सीधे सवाल किए हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह को भी आड़े हाथों लिया। लक्ष्मण सिंह पर पब्लिसिटी के लिए राम के नाम के इस्तेमाल को उन्होंने निंदनीय बताया। कमलनाथ जी के विजन की जो बात कही है, 15 महीने में उनके विजन को आपने भी देखा, हमने भी देखा। विजन क्या था? युवा ढोर चलाएंगे। विजन क्या था? युवा बैंड बजाएंगे। 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया। पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का पैसा छिंदवाड़ा पहुंचा दिया। ये विजन कमलनाथ जी का था। 15 महीने में एक भी नौजवान को रोजगार नहीं दिया, सिंगल को। एक भी भर्ती नहीं निकली उन 15 महीने के अंदर। ये विजन कमलनाथ जी का है। एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। कह के झूठ बोलना, घोषणा पत्र में आने के बाद झूठ बोलना, ये विजन कांग्रेस और कमलनाथ जी का है। ये बहुत पीड़ादायक प्रसंग है कि दोनों भाइयों के साथ में राम के साथ मजाक करना। एक बार कहा बच्चा बच्चा राम का, राघव जी के काम का, इस तरह का व्यंग्य किया उस दौर का। आज फिर राम का उपयोग कर लिया इसी तरह से। उपयोग क्या कहें, दुरुपयोग कह सकते हैं। एक छपास के लिए भगवान राम की जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था। उस समय सर्वाधिक पीड़ा या तो बाबर के मन में हुई होगी या उसके समर्थकों के मन में हुई होगी। ये पीड़ादायी है, निंदनीय कृत्य है। राम के नाम के उपयोग से तो भगवान के लिए बख्श दो, राजनीति में और भी फ्रंटे वहां आए खेले। मैंने फिर कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है और यही उस राजनीति का एक अंग है। परसों 15 अगस्त है, कह दिया 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे, कहीं दिखें तो बताना, देखने हम भी जाएंगे। एक और ट्वीट है लक्ष्मण सिंह जी का, राजनीति में चल रहा सूटकेस का खेल, अपनों से अपने बिछड़ रहे, कौन कराए मेरे। फुर्सत में है इस वक्त, और वास्तव में अपनों को रोकना चाहिए। ये परंपरा उनकी पार्टी में खत्म हो गई है। उन्हीं की पार्टी में क्यों ये परंपरा चलती है? उन्हीं की पार्टी के लोग बिछते या टूटते क्यों हैं जो वो कहते हैं? उनको चिंतन करना चाहिए। विधान परिषद के गठन का जो जुमला कमलनाथ सरकार ने दिया था, अपने घोषणा पत्र में कहा था, उस पर 4 कदम भी वो सरकार नहीं चली है। जिस तरह से बाकी जगह झूठ बोला, यहां भी झूठ बोला, और वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है मेरे पास।